फ्रेंड्स, पहले हम इस टिन का कनस्तर लेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ले चुका हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग कर दिया हूँ। अभी जाकर हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। करने के बाद हम इसको हमारा चूल्हा बनाएंगे। तो चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम इस फिनिशिंग के साथ इसको हम कट कर दिया हूँ। देख सकते हैं अच्छे से हम फिनिशिंग के साथ कट कर दिया हूँ। अभी हम यहाँ पर मिट्टी का यूज करने वाले हैं चूल्हा बनाने के लिए। तो कैसे प्रोसेस होता है इस वीडियो फुल्ली प्रोसेस के साथ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कैसे इसको बनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, अंत तक आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है इसको कैसे बनाया जाता है। राउंड शेप के लिए देख सकते हैं यहाँ इसके अंदर हम जो कि मिट्टी अच्छे से भर देंगे और इसका गोलाकार से इस चूल्हे को हम बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से बन रहा है हमारा ये चूल्हा। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर अच्छे से मिट्टी भर देने के बाद हम इसको बनाकर आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि आधा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी भी अच्छे से लग गया है और यहाँ पर हम राउंड शेप पर यहाँ पर इसको बना देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि प्लास्टिक का बाल्टी दिया था यहाँ पर राउंड शेप के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख हमारा जो कि चूल्हा कम्प्लीटली बन चुका है। अभी हम इसको धूप पर सूखने के लिए छोड़ देंगे। थोड़े देर के बाद हम इसको जो कि यूज करेंगे, इसका यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कम्प्लीटली हमारा चूल्हा बन चुका है। ये लकड़ी का चूल्हा यहाँ पर बन चुका है। अभी देख सकते हैं इसमें जो कि फिनिशिंग दे चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, फिनिशिंग के साथ राउंड शेप पर हो चुका है राउंड शेप पर। और इसके अंदर अभी हम जो कि लकड़ी डालकर यहाँ पे चूल्हा को लगाकर यहाँ पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और कुछ सीखने को मिला है इसको कैसे बनाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी का यूज़ करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए घंटी बटन को दबाकर ऑल में क्लिक कर दिए। इस हमारे इस चैनल में ऐसे ही कंटेंट भरा वीडियोस मिलता रहता है। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।